हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं जिनकी गाड़ियों में इनबिल्ट DRL नहीं मिलते हैं तो उनको काफ़ी शौक रहता है अपनी कार के हेडलाइट में DRL लगाने का। तो किसी भी कार में हम DRL को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी वायर को कट किए हुए। ठीक है, वायर कट करने से गाड़ी की वारंटी भी चली जाती है, तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि बिना वायर कट किए अपनी कार में जो है DRL को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये जो DRL इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा, इस DRL का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये यूनिवर्सल DRL LED लाइट है जो कि किसी भी कार के अंदर लग जाएगा। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हो, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है, तो इसकी वारंटी को भी ध्यान में रखा जाएगा, कोई भी वायरिंग को कट नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो हेडलाइट का ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसके ऊपर DRL लाइट को लगा देना है डबल साइड टेप की मदद से, जो कि इस DRL में दी गई होती है डबल साइड टेप। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये चिपक जाएगी हेडलाइट के ऊपर। ठीक है, ये सभी गाड़ियों का प्रोसेस एक जैसा होएगा, ऐसा नहीं कि इसी गाड़ी में, मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी कोई सी भी गाड़ी रहेगी तो आप इसको देखकर आराम से लगा सकते हो अपनी गाड़ी के अंदर। और जैसे ही यहाँ पर DRL चिपक जाता है तो उसके बाद इसके वायर को यहाँ पर नीचे की तरफ वायर को निकालना है, ताकि बोनट बंद करते हुए कोई भी दिक्कत हमें ना आए। तो यहाँ पर वायर को नीचे से डालकर और इधर निकाल लेना है जहाँ पर हमारी हेडलाइट के कपलर और बल्ब लगे रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस इधर भी कर लेंगे। ठीक है, पहले दोनों तरफ के वायर को इधर निकाल लेते हैं जहाँ पर हमारा हेडलाइट का कपलर लगा रहता है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो DRL है इसके अंदर तीन वायर दिए गए हैं, एक रेड, एक ब्लैक और एक येलो। ठीक है, तो इन तीन वायर का कनेक्शन कहाँ पर करना है वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। उससे पहले ये जो हमने बम्पर के पेंच खोले थे, ये एक एक करके सारे लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद सिर्फ इसका कनेक्शन ही रह जाएगा, जो कि एक सबसे मेन पॉइंट है इस चीज़ को इंस्टॉल करने में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारे बम्पर के सारे स्क्रू वगैरह लग चुके हैं। तो DRL का कनेक्शन करने के लिए आपको दो बल्ब निकालने पड़ेंगे हेडलाइट में से, यानी कि कपलर होल्डर जो भी बोलते हैं उसको, वो एक तो होता है पार्किंग लाइट का और दूसरा होता है इंडिकेटर का। सिर्फ यही दो होल्डर आपको हेडलाइट में से निकालने हैं एंटी क्लॉक वाइज घुमाकर, और बिना वायर कट करे हमें उसमें कनेक्शन करना है। तो उसके लिए ये कनेक्टर टर्मिनल आते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इनका भी आप जाकर एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दो वायर का कनेक्शन करना है, जो कि हमारा रेड और ब्लैक वाला है। ठीक है, इन दोनों वायर का कनेक्शन पार्किंग लाइट वाले होल्डर में करना है, रेड में रेड को मिला देना है और ब्लैक में ब्लैक को कर देना है। तो ये जो कनेक्टर है, इसकी मदद से बिना वायर को कट करे हमारा कनेक्शन बड़ी ईजी तरीके से हो जाता है। बस इसके लिए हमें एक प्लास की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो एक वायर में ये एक लगता है। ठीक है, फिर दूसरे वायर का कनेक्शन करने के लिए कुछ इस तरीके से इस कनेक्टर को यहाँ पर रखना है, और इसके अंदर दूसरे वाला जो हमारा वायर है DRL का, वो डाल देना है और प्लायर की मदद से इसको यहाँ पर प्रेस करना है, ताकि वो अच्छे से प्रेस हो जाए और इसका जॉइंट यहाँ पर लग जाए। ठीक है, फिर इसको यहाँ पर लॉक कर देना है। तो हमारा पार्किंग लाइट वाला तो कनेक्शन हो चुका है, और अभी हमें इंडिकेटर का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये DRL हमारा ऑन हो चुका है। ठीक है, तो अभी इसका इंडिकेटर का कनेक्शन नहीं हुआ है, तो जल्दी से उसका भी कनेक्शन कर लेते हैं। अब सिर्फ इसमें एक पीला वायर बचा है। ठीक है, इस पीले वायर को हमें क्या करना है, जो हमारी हेडलाइट के अंदर इंडिकेटर का होल्डर होता है उसको निकाल लेना है सिंपली, और यहाँ पर इस कनेक्टर को रखना है। ठीक है, एक वायर में पॉजिटिव वाला वायर जो होगा उसके अंदर हमें इस पीले वाले वायर को जोड़ना है। ठीक है, पॉजिटिव वायर का कैसा पता चलता है होल्डर के अंदर, दोनों में से एक वायर के ऊपर ब्लैक या रेड कलर की धारी सी बनी रहती है, तो उससे पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव वाला है। तो यहाँ पर इसका कनेक्शन भी हमारा हो चुका है, और अभी इंडिकेटर को ऑन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इंडिकेटर भी हमारा वर्क करने लगा है। दूसरी साइड भी आपको ऐसे ही कनेक्शन कर लेना है, और यहाँ पर फाइनल लुक अभी देख सकते हो, हमारे DRL दोनों वर्क कर रहे हैं और इंडिकेटर भी हमारा इधर वर्क कर रहा है। दूसरी साइड का भी इंडिकेटर एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही दूसरी साइड का इंडिकेटर देते हैं तो इधर वाला DRL बन जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है, और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर लगा हुआ ये दिखाई दे रहा है। कोई भी इसमें ऐसे नहीं लग रहा है कि हमने आफ्टर मार्केट इसको इंस्टॉल किया है। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।